जय गुरुजी संगत जी। तो आज मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ इस बटरफ्लाई का। तो हुआ ये कि हम वॉक करने गए और वॉक करने करके जब हम वापस आ रहे थे तब एक प्यारी सी बटरफ्लाई आके मेरी शोल्डर पे बैठ गई। उसके बाद हम बहुत लंबी रास्ता हमने मतलब क्रॉस किया, बारिश भी लगी, भागे भी, सब कुछ हुआ, लेकिन ये बटरफ्लाई मेरे शोल्डर के ऊपर से नहीं गई। फिर उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में आई तो मेरी जो लाइट थी वो भी ब्लिंक कर रही थी। वो लाइट ना ऑन ही नहीं हुई, जैसे ब्लिंक कर रही है ना, ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये सच में ब्लिंक करी थोड़ी देर फिर ठीक हो गई। और उसके बाद मैंने बोला गुरुजी अगर ये आप हो ना तो आप अपने स्वरूप पे जाके बैठ जाओ, लेकिन वो उड़े ही नहीं, क्योंकि हमें इतना तो पता है बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। फिर वो मेरे जब मैं अपने रूम में गई तो वो मेरे बेड पर जाके बैठ गई। और फिर वो थोड़ी देर बाद जब अपने पंख खोले उसने तब तो मुझे पता चला कि उसमें गुरुजी का स्वरूप है। और जब मैंने ये गुरुजी का स्वरूप देखा मैं शॉक हो गई और मैंने इतने दर्शन किए। और मुझे ना इसके पीछे एक सत्संग भी है कि क्या हुआ था कि मेरे जो पापा थे वो उस दिन बहुत बीमार थे, तो उस दिन हम उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर को पहले तो समझ नहीं आता क्या है, पर 2 बजे के करीब रात को उनको समझ आया कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बस उन्होंने उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह किया। मे भी मुझे लगता है वो गुरुजी ने हमारा 90% कष्ट काट लिया और ओनली 10% हम भोग के आ गए। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो ये यहीं पे बेड के ऊपर बैठी हुई थी जैसे कि अभी आपको दिख रही है। और फिर रात होगी तो मुझे लगा कि ये कल से यहाँ पे बैठी है, भूखी है, उड़ी भी नहीं, दरवाज़ा भी खोला तब भी नहीं गई, तो मुझे इसको फूल दे देना चाहिए क्योंकि बटरफ्लाई तो फूल ही खाती है ना। तो फिर मैंने इसके आगे ना एक फूल रख दिया जो आपको दिख रहा है। फिर थोड़ा सा आगे गई और थोड़ा सा पिया, बट उसके बाद भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, थोड़े ऐसी लग रही थी वीक सी, मुझे नहीं पता क्यों, बट क्या कष्ट काटने गुरुजी आए थे, उसमें साक्षात गुरुजी के दर्शन हो रहे थे और मैं तो मतलब भजन वगैरह सब लगा के यहाँ पे बैठी हुई थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या लीला है इसमें क्या नहीं, पर जो भी है मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना। मैं गुरुजी को कह रही थी आप किसी के घर में अमृत वर्षा कर रहे हो, किसी के घर में शहद वर्षा, कहीं क्या कहीं क्या, आप हमारे हमें तो कभी दर्शन ही नहीं देते। और मैं बाहर गई और गुरुजी मेरे कंधे पर बैठकर मेरे घर आए हैं स्पेशली और मुझे दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तीन वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन वाले हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, आज तीन वाले हो रहे हैं सच में, तीन स्वरूप के दर्शन, ये क्या हुआ। जय गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्या है बट गुरुजी का कोई चमत्कार ही है ये, बहुत बड़ा जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। टू डेज रहने के बाद इस बटरफ्लाई की डेथ होगी, पता नहीं कौन से कर्म कटवाने आई थी। जब ये बटरफ्लाई नहीं है अब, मतलब इसकी डेथ हो गई है, तो
अब इसमें गुरु जी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। पता नहीं क्यों गुरु जी इस रूप में आए थे, क्या कष्ट काटने आए थे और अब चले गए। और मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको बाहर कैसे रखूँगी, इसमें गुरु जी हैं। तो अब गुरु जी ने मेरा ये वहम भी निकाल दिया कि इसमें मैं नहीं हूँ, तो अब मैं इसको बाहर रख सकती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन 2 दिन मेरे साथ रहने के बाद 3रे दिन मेरा साथ छोड़ गए। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर ना कर बंदिया।